ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं कि ई मित्र क्योस्क के माध्यम से एमबीसी का जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप एक ई मित्र क्योस्क संचालक है तो आपके पास बहुत बार ऐसे कस्टमर आते होंगे जो एमबीसी कैटेगरी के होंगे और उनको एमबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। तो आपके पास जब भी ऐसे कोई कस्टमर आए तो बहुत सारे जो नए ई मित्र क्योस्क संचालक है उनको बहुत ही कंफ्यूजन पैदा होता है। उसके अलावा पुराने वाले ई मित्र क्योस्क भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से ये कास्ट सर्टिफिकेट बनता है और इसके क्या नियम है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमबीसी जब जाति नहीं थी, ये कैटेगरी जब शामिल नहीं थी राजस्थान के अंदर, उससे पहले एक कैटेगरी होती थी एसबीसी, और एसबीसी के जो कास्ट सर्टिफिकेट होते थे वो ई मित्र क्योस्क से बनते थे। मैंने भी बहुत बार इसके बनाए। दोस्तों, उस समय तो बन रहे थे, लेकिन जब एसबीसी को खत्म करके एमबीसी कैटेगरी ले गई तो उसके बाद ई मित्र क्योस्क के माध्यम से ये प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे। तो इसके लिए दोस्तों हमको एक और जानकारी की जरूरत है। पहले एक आदेश जारी हुआ सरकार की तरफ से इसके जब कास्ट सर्टिफिकेट बनाने से संबंधित है, तो पहले वो आदेश मैं एक बार आपको कंप्लीटली बता देता हूँ, उसके बाद आगे की जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, आदेश डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाकर यहाँ पे आपको टाइप करना होगा HJE, जो समाज कल्याण विभाग का पोर्टल है वो आप ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं HJ या फिर HJMSP कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वाला पोर्टल है HJERajasthan.gov.in, इसे आप ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस प्रकार का पोर्टल है। तो दोस्तों, आप ड्रैग करते हो थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेनू दिए हुए हैं, उसके अंदर सबसे नीचे आपको एक मेनू मिलेगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे इस वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ST/ST/OBC डॉक्यूमेंट का ये ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों वापस ये ऑप्शन आएगा, वापस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक आदेश आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आपको ड्रैग करते हुए लगभग 219 या फिर 226 के लगभग पेज है, यहाँ पे हमें जाना होगा। तो हम ड्रैग करते हुए थोड़ा नीचे जाते हैं और यहाँ पे एक बार आदेश मैं आपको ओपन करके एक बार बता देता हूँ, जिससे कि आपको समझना यहाँ पे आसान हो। तो यहाँ पे दोस्तों अभी ये मैं ओपन कर रहा हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला आदेश है, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ये 23/2/2018 का आदेश है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि विधि विभाग के अधिसूचना ये हैं। इसके अंदर राज्य पिछड़ा वर्ग राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों में प्रवेश व अन्य सेवा में नियुक्ति के लिए अधिनियम 2017 की धारा 2DA में अति पिछड़े वर्ग की अनुसूची में वर्णित किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्न जातियां हैं, जिसके अंदर जो जातियां आई है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे बाल्दिया हो गया, गढ़लिया लोहार हो गया, गढ़लिया हो गया ये वगैरह, या फिर गुर्जर हो गया, रायका रेवाड़ी देवासी हो गया, या फिर दोस्तों गडरिया हो गया, गायरी वगैरह, इसे इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इन सभी के लिए यहाँ पर ये आदेश जारी हुआ है। तो इसके अंदर नियुक्ति के अंदर इनको आरक्षण प्रदान है। तो इसके अंदर दोस्तों ये तो ये आदेश हुआ है, उसके बाद एक संशोधित आदेश और जारी हुआ है, तो उसके अंदर सभी जानकारी दी गई है। तो इसके अंदर तो दोस्तों कौन कौन सी जातियाँ एमबीसी में शामिल है वह बताया गया है, लेकिन दोस्तों ये जो दूसरा आदेश है इसके अंदर यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा गया है जो पहले लिखा हुआ था, ये 22/2/18 का है। तो इसके अंदर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, जो अंतिम पैराग्राफ है दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अंतिम वाला पैराग्राफ आपको पढ़ना है। उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित जातियों के अन्य वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दे होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कहा गया कि जो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र होता है उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही इन सभी जातियों को एमबीसी का बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि जब आप इनका ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाएंगे और ये जाति अंकित करेंगे, तो जब भी कोई सरकारी योजना होगी या फिर सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो गया या फिर गवर्नमेंट जॉब होगी, तो उसके उसी प्रमाण पत्र के आधार पर उनको बेनिफिट दे दिया गया। ये आदेश में कंप्लीटली लिखा गया है। तो इस पोर्टल पर जाकर एक बार डाउनलोड करके पढ़ ले, समझ ले, तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ जाएंगे कि एमबीसी का जाति प्रमाण पत्र आपको किस प्रकार से बनाना है। तो दोस्तों, आपने आदेश कम्प्लीटली देख लिया है। इसके अंदर कम्प्लीटली कहा गया है कि जितने भी एमबीसी वर्ग की जाति हैं, यानी कि एमबीसी वर्ग के अंदर जिन जिन जातियों को शामिल किया गया है, उन सभी को अलग से एमबीसी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाना, उनको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो जब वो ओबीसी में थी। जो एमबीसी में जो भी जाति आई है वो कहां से आई है, ओबीसी कैटेगरी से। तो ओबीसी के अंदर जो पहले से जाति प्रमाण पत्र बन रहा था उनका, वही जाति प्रमाण पत्र बनाना है और उसके अंदर जब ये जाति दर्ज करेंगे तो उसको अपने आप एमबीसी का जाति प्रमाण पत्र गिना जाएगा और एमबीसी के अकॉर्डिंग ही उसको बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसी जाति प्रमाण पत्र के अनुसार उसको पूरा का पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में पहले ही वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो का लिंक मैं आपको
इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट ही उसका बनाना है और उसके अंदर जाति एमबीसी वाली जो कैटेगरी का आप दर्ज करेंगे तो उसको डायरेक्टली एमबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट गिना जाएगा और सरकारी योजनाओं के अंदर, इसके अलावा स्कूल के अंदर एडमिशन हो गया या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर उसको वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका था एमबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें, आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों।